Assalamualaikum viewers, welcome back in Miram's Kitchen. I hope आप सब खरीद से होंगे. आज हमारे किचन में बने जा रहे हैं मज़ेदार से गुड़ वाले चावल. उसके लिए पहले हमें चाशनी तैयार करनी है गुड़ की, और इसके लिए मैंने ये चार पेसियाँ जो हैं वो ले ली हैं गुड़ की, और ये क्योंकि ये छोटा साइज है इसलिए मैंने चार ली हैं. को कम मीठा पसंद है वो कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अभी मैंने यहाँ पे एक मग वाटर लिया है और मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा और इस्तेमाल करेंगे. तो चलिए अब इसकी चाशनी तैयार करते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने गुड़ और जो हमारा एक मग पानी था वो उसमें डाल दिया है पैन में. अब यहाँ पे भी थोड़ा सा और वाटर है, ये मैं इसमें डाल दूँगी बस इतना सा. और अब हम इसकी चाश तैयार करेंगे. जैसे ही इसकी चाश रेडी हो जाएगी तो हम इसे छान लेंगे. छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उससे फिर जो इसके ऊपर एक मैल सी आ जाती है गुड़ की, वो साफ़ हो जाती है. अभी मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है और अब हम जो चाश हमने रेडी की है ये देखें, अब हम इसको स्ट्रेन करेंगे. ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, स्टेन के बगैर प्लीज़ आप इसको डायरेक्टली यूज़ मत कीजिएगा. और चावल जैसे ही हमारे बॉयल होंगे तो हम बाकी का प्रोसेस करते हैं. यहाँ पे मैंने 1.25 कप चावल ले लिए हैं, ठीक है, यानी एक पूरा मग, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़े से ज़्यादा चावल हैं. और उसको मैंने इस तरह से अच्छे से वॉश करके पानी में भिगो के रख लिए हैं. अब हम इसे बॉयल करेंगे पहले, और पानी जो है वो गर्म हो रहा है. जैसे वो बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा तो हम ये पानी ड्रेन करके चावल उसमें डाल देंगे. और इसको हमें एक कन्नी रखनी है बॉयल करने के बाद, यानी एक कन्नी कच्चा रहना चाहिए ताकि हम शीरे में बाद में इसको पका सकें. जी आप देख सकते हैं कि पानी अच्छे से बॉईल हो रहा है. इसी तरह बबल बनने चाहिए जब आप चावल जो है वो बॉईल करते हैं. और यहाँ पे हमने किसी भी रेशो का हिसाब नहीं रखा है, बस खुला पानी लिया है. ये देखिए हमारे चावल जो है वो अब बॉईल हो रहे हैं. जैसे ही एक कनी रह जाएगी तो हम इसको ड्रेन कर लेंगे और फिर हम इसको शीरे में पकाएंगे. अब हमें चावल पकाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो आप देख लीजिए. यहाँ पे चावल जो हैं वो डन हो चुके थे, एक कनी पे आ गए थे, ये देखें आप देख सकते हैं, ये देखें, ठीक है. और यहाँ पे हमने शीरा भी तैयार कर लिया था, और एक कप हमने दूध लिया है, और 1 टेबलस्पून के करीब हमने यहाँ पे मलाई ली है, घर की मलाई है ताज़ा. अगर आप चाहें तो क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं घर की मलाई इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा. और ऑयल चाहिए, तो चलिए बाकी का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया है. अब हम इसमें क्या करेंगे, जो चाश रेडी की थी वो डाल देंगे. इसको बॉयल आएगा तो हम इसमें चावल डाल देंगे. ये बॉयल होना स्टार्ट होगी, अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी. ये देखें अब हम इसको मिक्स कर लेंगे. ड्राई नट्स इसमें डालना चाहते हैं वो क्या करेंगे कि पहले ऑयल में ड्राई नट्स जो हैं वो हल्के से फ्राई करेंगे, फिर उसको निकाल लीजिएगा, और फिर एंड पे आप उसको दम देते हुए शामिल कर लीजिएगा. लेकिन मैं ड्राई नट्स यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपल जो है गुड़ वाले चावल बना रही हूँ. कुछ लोग हैं वो बॉयल नहीं करते, डायरेक्ट जो है वो चाश बनाकर उसे रेडी कर लेते हैं. लेकिन जिन लोगों को चाश का हिसाब नहीं रहता है वो इस तरह से इजी सिंपल तरीके से बना सकते हैं. इसका पानी जो है वो थोड़ा ड्राई करना है जो चाश है, उसके बाद दम से पहले हम इसमें दूध और मलाई दोनों ऐड करेंगे. अब मैं यहाँ पे जो 1 कप हमने दूध लिया है वो ऐड कर दूँगी. इससे इसका फ्लेवर बहुत रिच आएगा, बहुत आपको टेस्टी लगेगी राइस. और साथ में हम इसमें मलाई ऐड कर देंगे. ये भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालिएगा. दूध से चावलों का कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है. अब जैसे इसमें थोड़ा सा जो है पानी रह जाएगा तो हम इसको दम पे रख लेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बस मोस्टली पानी जो है ड्राई हो गया है, बस थोड़ा थोड़ा पानी है. इस स्टेज पे मैं आँच बिल्कुल स्लो कर दूँगी दम वाली, और अब हम इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक कि अच्छा सा इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता और चावल हमारे बिल्कुल डन नहीं हो जाते. जैसे ही हमारे चावल डन होंगे तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे. देख सकते हैं कि हमारे मज़ेदार से गुड़ वाले चावल रेडी हो गए हैं, और इनका टेस्ट माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का है. दूध और मलाई ऐड की थी उससे बहुत ज़्यादा ये रिच बने हैं. आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा. आप चाहें तो इसमें गार्निशिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से सिंपल रखूँगी इनको. आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा. आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी. अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आपको बर वक्त मिलती रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़. यम्मी.